कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 24 घंटे में 50 कोरोना के केस सामने आए हैं। तो कल पहली रिपोर्ट में 23 केस सामने आए और देर रात दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें 27 केसेस सामने आए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वहां पर फिलहाल 609 पर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां पर 24 घंटे में 50 कोरोना के केस सामने आए हैं। कल दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें 23 केस थे और देर रात जब दूसरी रिपोर्ट यहां पर सामने आई तो उसमें 27 केस सामने आए हैं। 50 नए मामले कानपुर में कोरोना संक्रमित लोगों के सामने आए हैं और ऐसे में वहां पर संख्या फिलहाल 609 पर पहुंच चुकी है। तो हर जगह, हर एक जिले में आपको बता दें कि संक्रमित मामलों का जो सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। नीरज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। तो नीरज, 50 मामले, नए मामले जो 24 घंटे के भीतर कानपुर से सामने आए हैं। आई रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में 23 केस, जबकि देर रात आई दूसरी रिपोर्ट में 27 केस आए। कुल 50 कोरोना के केस कल की तारीख में सिर्फ आए हैं, जिसको लेकर अब आंकड़ा जो है 609 पहुंच गया और एक्टिव केसों की संख्या 244 पहुंच गई। लगातार बढ़ते केस जो है कानपुर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आखिरी जो लॉकडाउन चल रहा था उस तक काफी हद तक यहाँ मरीज कंट्रोल में हो गए थे। जो पहले मरीज मिले थे उनका रिकवरी रेट सही हो चुका था, मरीज सही हो रहे थे, लेकिन अब उसके बाद एकाएक जैसे ही ये बाहर से प्रवासी मजदूरों का आना होता है उसके बाद से लगातार जो इजाफा हो रहा है, तो बड़ी संख्या में केसेस सामने आ रहा है। सिर्फ 244 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है सिर्फ पिछले 7 से 8 दिनों में ही क्रॉस हुआ है, आपको बता दें यहाँ कानपुर। लेकिन अगर कानपुर की बात करें यहाँ पर नीरज, तो जो एक्टिव केस की संख्या है और जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या है, तो वो किस तरह से है? देखिए, जो कुल मरीजों की संख्या है कोरोना केसेस की वो 609 पहुंच चुकी है, लेकिन एक्टिव केसेस जो है 244 है अभी। आपको बता दें कि काफी संख्या में यहाँ पे जो केसेस थे वो ठीक हो चुके थे, कुल केसेस जो एक्टिव केस थे 19 से 20 के करीब ही पहुंचे थे, लेकिन अब 244 एक्टिव केसेस हैं, जो लगातार संख्या में इजाफा हुआ है वो इधर हाल ही के दिनों में हुआ है कानपुर में। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए।